हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी बीए सेकंड ईयर की बात करेंगे। मैथमेटिक्स थर्ड पेपर, जो अपने पास पेपर का नाम होता है मैकेनिक्स, जो मैथमेटिक्स थर्ड पेपर है स्टूडेंट, वो है मैकेनिक्स का पेपर। तो मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन सी बुक्स आती है, तो सबसे पहले हम बुक्स की बात करते हैं स्टूडेंट। तो इसके अंदर दो बुकें लागू होती हैं हमारे पास, जो नौकार पब्लिकेशन से ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ते हैं, और कॉलेज में नौकार पब्लिकेशन नहीं लगता। तो स्टूडेंट इसमें दो बुक्स होती है, पहली होती है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान, फिर दूसरी बुक होती है स्टूडेंट डायनेमिक्स, या हम कह सकते हैं गति विज्ञान। तो दो बुक्स लागू होती है स्टूडेंट इस पेपर के अंदर मैकेनिक्स में, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, यानी स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान में हमारे पास यहाँ पे दो यूनिट्स होती है स्टूडेंट, और गति विज्ञान के अंदर हमारे पास तीन यूनिट्स, क्योंकि पेपर होता है वो पूरा पाँच यूनिट्स में बटा हुआ होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों बुक्स में यूनिट्स डिवाइडेड है। स्थिति विज्ञान में फर्स्ट और सेकेंड यूनिट, और डायनेमिक्स में थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यूनिट, तो इसके अकॉर्डिंग है। तो आज हम बात करते हैं स्टूडेंट डायनेमिक्स की, गति विज्ञान की, तो कौन सा टॉपिक है और उसके बारे में। तो सबसे पहले डायनेमिक्स की बात करते हैं स्टूडेंट। तो डायनेमिक्स में अपने सबसे पहले टॉपिक आता है, जो हमारे पहले बेसिक से शुरू होता है, हमने कक्षा 9th में 11th में भी इसका अध्ययन किया है। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना वेग एवं त्वरण। जनरल सी बात है, सब जानते हैं स्टूडेंट वेग और त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट, वैसे हम नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट से बात करते हैं, विस्थापन से। तो सबसे पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन आती है। तो वेलोसिटी क्या होता है, यदि कोई बिंदु है और उसने किसी टाइम टी के अकॉर्डिंग, यहाँ हमारे पास कोई स्थिर बिंदु है ओ, यानी कि स्टेशनरी पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, तो कोई कण है तो उसकी जो मोशन है, गति है, वो किसी टाइम टी पे एक्स दूरी पे है, जहाँ पे टाइम समय कितना है टी लिया गया है, तो ये अपने पास विस्थापन हो जाएगा स्टूडेंट। तो वेग की वैसे डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी कि जो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, जो डिफरेंशिएट वैल्यू होगी स्टूडेंट, वही उसका वेग कहलाता है उस पार्टिकल का। जैसे अर्थात वेलोसिटी को वी से प्रदर्शित करते हैं, तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स और टाइम के रेस्पेक्ट, तो ये अपने वी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी से व्यक्त करते हैं। अब टाइम के रेस्पेक्ट यदि आपके पास डिफरेंशिएट हो रखी है कोई वैल्यू, तो स्टूडेंट उसको हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं। केवल टाइम के रेस्पेक्ट होगा डायनेमिक्स के अंदर, तो एक्स डॉट प्रदर्शित, एक्स डॉट का मीन हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। फिर बात आती है एक्सीलरेशन त्वरण। तो एक्सीलरेशन हमें पता है क्या होता है, डेफिनेशन वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं स्टूडेंट। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी परिभाषाएं, यही यहाँ पर रिपीट हो रही है। त्वरण अर्थात जो त्वरण को हम स्मॉल एफ से या स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ हम स्मॉल ए एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हो जाएगा वेग में परिवर्तन, यानी कि डी वी अपॉन डी टी। तो स्टूडेंट इसका हमारे पास सिंबल क्या हो जाएगा, वी डॉट। तो
अब वी की वैल्यू रखी जाए यदि अपन डी अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ से हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी कि एक्स का टाइम टी के रेस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट हो रखा है, टू टाइम्स रेस्ट, तो यहाँ पे हम डबल डॉट लगा देंगे। तो ये हमारे पास त्वरण की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला आता है, वेग को प्रदर्शित करने के लिए एक्स डॉट और त्वरण को प्रदर्शित करेंगे, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स डबल डॉट। तो ये तो बात हुई वेग और त्वरण की अपने पास बेसिक जानकारी की। अब इनसे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन किस प्रकार मिलते हैं एग्जाम के अंदर, तो उसकी बात करते हैं। स्टूडेंट देखो, पहला एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा टी सेकेंड में चली गई दूरी या चली दूरी एक्स इक्वल टू टू टी क्यूब माइनस नाइन टी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व टी प्लस सिक्स मीटर हो तो ज्ञात कीजिए कि उसका त्वरण शून्य कब होगा। और उस समय उसका वेग क्या होगा। तो स्टूडेंट ये दिया हुआ है कि अपने पास कि x यदि सरल रेखा में गतिमान कण द्वारा t समय में चली गई दूरी x बराबर जो मीटर में हो तो ज्ञात करना है उसका त्वरण कब शून्य होगा और उस समय उसका वेग क्या होगा, उस टाइम पे एट ए टाइम t पे प्रेजेंट पे वेग क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या निकालेंगे हम इस प्रकार, तो दिया है गिवन दैट x इक्वल टू टू टी क्यूब माइनस नाइन टी स्क्वायर प्लस का 12t प्लस का 6। तो हमें निकालना है सबसे पहले वेग स्टूडेंट, तो वेग क्या होता है v dx अपॉन dt, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस का 12 तथा त्वरण, त्वरण क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये एक नंबर इक्वेशन, तो त्वरण f इक्वल टू d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी कि इसका समीकरण एक का पुनः t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो इसका हो जाएगा 12t माइनस का 18 और 12 का 0 हो गया। अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब त्वरण शून्य होगा कब होगा स्टूडेंट, टाइम निकालना है तो 0 इक्वल टू 12t माइनस का 18, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 12t इक्वल टू 18, तो इक्वल टू t इज 18 बाई 12 यानी कि 3 बाई 2 सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं अतः t बराबर 3 बाई 2 सेकेंड पर कण का त्वरण शून्य होगा। फिर बात आती है स्टूडेंट इस समय वेग कितना था, तो t इक्वल टू 3 बाई 2 सेकेंड पर
कण का वेग। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेग का फॉर्मूला अपने को देखो समीकरण एक के अकॉर्डिंग आया हुआ है, तो 6 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 18 3/2 प्लस का 12। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6.9/4 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 9 × 3 प्लस का 12। तो यहाँ से अपने पास स्टूडेंट रहेगा 2 और 3, तो यहाँ से आ गया 27/2 माइनस 27 प्लस का 12। तो एलसीएम लेंगे स्टूडेंट हम 2, तो यहाँ से 27 माइनस 54 प्लस 12 × 24। तो यहाँ से कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 27 एंड प्लस का 24, तो माइनस का 3 माइनस का 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमारे पास कण का जो टाइम है जहाँ पे एक्सीलरेशन शून्य होता है और उस टाइम पे वेलोसिटी इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एग्जांपल सेकेंड की। तो एग्जांपल सेकेंड देखो हमें क्या दिया हुआ है, आप इसको क्लास को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो स्टूडेंट। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट हमें, एक कण एक निश्चित बिंदु की ओर एक ऐसे वेग से गतिशील है जो कण की उस बिंदु की दूरी के किसी भी घात यानी कि n ग्रेटर वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू वन के समानुपाती हो सिद्ध कीजिए कि कण बिंदु तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। तो ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट कि जो आपका कण है वो कभी भी उस बिंदु पे नहीं पहुंचेगा, एनी टाइम इन्फिनिटी आएगा यानी अनंत समय में वो उस बिंदु तक पहुंचेगा। तो स्टूडेंट ये क्या दिया हुआ है देखो, इस प्रकार कोई स्थिर बिंदु है हमारे पास O और किसी टाइम T पे कण की स्थिति है P, टाइम T के रेस्पेक्ट में हम ले लेते हैं इसके। तो यहाँ पे हमारे पास X हो गया। अब वो कह रहा है कि ये बिंदु की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये फिक्स पॉइंट की ओर आ रहा है, इसका मतलब X धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब हमारे पास जो भी मान होगा वो माइनस एक्स के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन ली जाएगी। तो देखो किस प्रकार प्रूव करते हैं स्टूडेंट, इसमें माना निश्चित बिंदु O है तथा किसी समय T पर कण की स्थिति P है जहां OP बराबर X। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें कहा है कि वो गतिशील है कण की उस बिंदु की दूरी किसी भी घात के समानुपाती हो ऐसे वेग से, यानी कि वेग दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं यहाँ प्रश्न अनुसार वेग v
वी समानुपाती एक्स और वो उस बिंदु की ओर है, इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ माइनस एक्स और पावर वन या वन से ज़्यादा, तो हम ले सकते हैं एन ग्रेटर देन वन, तो मैंने एन ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास जब भी कोई वैल्यू कांस्टेंट समानुपाती चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास, तो वो समानुपाती कांस्टेंट आ गया के। तो स्टूडेंट यहाँ से हम इस प्रकार से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो v को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, क्योंकि टाइम रेस्पेक्ट निकालना है, तो माइनस का k x अपॉन n। तो अब हम यहाँ पे करेंगे चरों का पृथक्करण। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसको समीकरण एक मानता हूँ, चरों का पृथक्करण। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा dt इक्वल टू ये इसके बट्टे में माइनस वन अपॉन के डी एक्स एन की पावर एन एक्स की पावर एन। तो यहाँ पे हम इसका समाकलन करते हैं स्टूडेंट, तो टाइम टी का टी इक्वल टू माइनस वन अपॉन के, और एक्स के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो एक्स की पावर माइनस है, तो यहाँ माइनस एक्स की पावर माइनस एन का समाकलन हमारे पास क्या होगा, वन अपॉन इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एन प्लस वन और एक्स की पावर माइनस एन प्लस वन प्लस का सी। तो स्टूडेंट हम इसको इस प्रकार जनरली लिख सकते हैं, माइनस का वन अपॉन के माइनस एन प्लस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, जब अपोजिट जब स्थिति चेंज की जाती है अपॉन में लिया जाएगा तो पावर क्या हो जाती है उसकी, नेगेटिव हो जाती है, प्लस में हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट सी आएगा। अब बात आती है स्टूडेंट जब ये बिंदु ओ तक पहुंचेगा तब बात क्या होती है। तो देखो स्थिति फर्स्ट, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, यानी एक से ज्यादा हो, तो हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तब कण केंद्र O पर पहुंचता है, तो x बराबर क्या रखा जाएगा, जीरो, क्योंकि x जीरो हो जाएगा तभी तो वो O पे आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इज t इक्वल टू माइनस वन अपॉन के माइनस एन प्लस वन डॉट जीरो, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, और प्लस में c। तो बट्टे में जब जीरो आता है तो इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में कांस्टेंट कोई भी ऐड कर दो हमेशा क्या रहेगा, अनंत ही रहेगा, जो कि इनफाइनाइट है, यानी समय आपका कितना आ गया, अनंत आ गया। अब बात करता हूँ स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड जब n इक्वल टू वन, तो समीकरण एक से, तो समीकरण एक से देखो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस kx। तो यहां पे हम चरों का पृथक्करण करेंगे, चरों का पृथक्करण करोगे तो स्टूडेंट डेल t dt इक्वल टू माइनस का वन अपॉन k और dx अपॉन x। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इक्वल टू माइनस वन अपॉन k log x प्लस का c1। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जब कण केंद्र O पर पहुंचता है तब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो t इक्वल टू माइनस वन अपॉन के लॉग जीरो प्लस सी। तो स्टूडेंट लॉग जीरो होता है वो माइनस इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, तो जो कि अनंत है, कॉस्ट टर्म लिख सकते हो,
लॉग जीरो इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रकार दोनों स्थितियों से स्पष्ट है कि कर्ण कभी भी केंद्र O पर नहीं पहुंचेगा। तो यही प्रूव करना था स्टूडेंट। तो ये इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल 2 को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। अब बात करते हैं एग्जांपल 3 की, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।